कार पेट्रोल। ये आई कार पेट्रोल। कार सिटी सुरक्षित है मैट और फ्रैंक के होने की वजह से। ओ, लगता है फ्रैंक मैट को कुछ बता रहा है। ओ, रास्ते पर ईंट पड़ी है। लो, मैट का टायर पंचर हो गया। वो इस हालत में शहर की पेट्रोलिंग नहीं कर पाएगा। फ्रैंक, शायद तुम अपने हुक की मदद से मैट को टॉम की गैराज तक ले जा सको। हे दोस्तों, तुम कुछ भूल तो नहीं रहे ना? उस ईंट को तो हटा दो ताकि किसी और का पंचर ना हो। बढ़िया। अजीब बात है, टॉम के पास आज बहुत लोग हैं और हर किसी का टायर पंचर है, बिल्कुल मैट की तरह, जैसे हर कोई उस ईंट से गुजरा और पंचर हो गया। चलो देखते हैं, शायद टॉम मैट को जल्दी ठीक कर दे ताकि वो और फ्रैंक छानबीन कर सकें। माफ करना टॉम, तुम आज बहुत बिजी हो, पर मैट को तुम्हारी मदद चाहिए। वो सड़क पर एक ईंट के ऊपर से गुजरा और उसका टायर पंचर हो गया। मैट और फ्रैंक को जल्दी पता लगाना है कि इसके पीछे कौन है। क्या तुम उसे जल्दी ठीक कर सकते हो? तुम अब अंदर जा सकते हो मैट। हो गया, आराम से धीरे। अब वक्त है नया टायर लगाने का। मैट को जल्दी ठीक करने के लिए शुक्रिया टॉम। और आप सबका भी शुक्रिया। अब मैट और फ्रैंक जाके पता लगा सकते हैं कि सड़क पर ईंटें कौन फैला रहा है। हे, देखो बेन द ट्रैक्टर, शायद उसे कुछ पता हो। तुम्हें जाके उससे पूछना चाहिए। बेन को ईंटों के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन उसने तुम्हें क्लू दिया है। बेन फ्लावी द फ्लैटबेड ट्रक और एडगर द एक्सकवेटर के ईंट लाने का इंतजार कर रहा है ताकि वो एक दीवार बना सके। लगता है तुम पता लगा लोगे। चलो चल के पता लगाते हैं। जानकारी के लिए शुक्रिया बेन। वो रहे फ्लावी और एडगर, लेकिन उनके पास ईंट नहीं है, शायद उनसे ही रास्ते में गिर गई। चलो चल के पूछते हैं। किसी ने ईंटें चुरा ली? चिंता मत करो दोस्तों, मैट और फ्रैंक चोर को ढूंढ लेंगे। वो काफी करीब था। लगता है जिसने भी फ्लावी और एडगर की ईंटें चुराई है, जानबूझकर उन्हें कार सिटी में फैलाया है। लेकिन ऐसा कर कौन सकता है? ओ, पता होना चाहिए था, ये तो टायलर टाइक है। वो हमेशा शैतानी करता है।
तुम पकड़े गए टायलर। हम जानते हैं तुमने ही फ्लावी और एडगर की ईंटें चुराकर शहर में फैलाई हैं। ये तुम्हारे लिए मजा हो सकता है, लेकिन सबके लिए नहीं। अच्छा आइडिया है मैट, टायलर को सबक सीखने की जरूरत है। उसे ही ये ईंटें उठाकर फ्लावी और एडगर को देनी चाहिए। फ्रैंक ने बिल्कुल ठीक कहा टायलर, तुम्हें कंस्ट्रक्शन टीम के साथ मिलकर सड़क को भी ठीक करना होगा। तुमने बहुत अच्छा काम किया दोस्तों, अब कार सिटी बिल्कुल सुरक्षित है और फ्लावी और एडगर को उनकी ईंटें भी मिल गई, जिसका मतलब बेन फाइनली दीवार बनवा लेगा। कार पेट्रोल। ये पूरी कार सिटी में आज हो क्या रहा है? हर कोई ड्राइव कर रहा है। यहाँ तक कि मैट और फ्रैंक भी। हे दोस्तों, क्या चल रहा है? ओ, ये तेल बिखरा है, ये तो खतरनाक हो सकता है। लेकिन ये आ कहाँ से रहा है? शायद तुम्हें छानबीन करनी चाहिए। ओहो, एक रेड लाइट, लगता है मैट तो रुक जाएगा, लेकिन फ्रैंक को संभलना होगा। संभल के फ्रैंक। क्या तुम ठीक हो फ्रैंक? अच्छा है कि तुम रुक तो गए, भले ही तुम अब उल्टे खड़े हो। ट्रैफिक लाइट अब ग्रीन हो गई है फ्रैंक, अच्छा होगा कि तुम घूम जाओ और मैट के साथ जाओ। क्या देखा तुमने फ्रैंक? ओ, ये तो टाइसन द टैंकर है और उसमें से तेल लीक हो रहा है। जरा रुको मैट, क्या तुमने फ्रैंक का सायरन सुना? मतलब वो चाहता है कि तुम उसके पीछे जाओ। टाइसन, क्या तुमने सायरन सुना? मतलब वो चाहते हैं कि तुम रुक जाओ। ओह डियर, लगता है तेल की वजह से रुकना मुश्किल हो रहा है। ठीक समझे टाइसन, तुम्हारा तेल हर जगह लीक हो रहा है, तुम्हारे टैंक को ठीक करने की जरूरत है। अच्छा होगा कि हम टॉम द टो ट्रक को बुला लें। ग्रेट, टॉम बस रास्ते में ही है। लो आ गया टॉम। लगता है टॉम को छेद मिल गया। तुम क्या करने वाले हो टॉम? ओह, लगता है तुम्हें कुछ काम करना है मैट।
तुम्हें इस छेद में थोड़ा ग्लू स्प्रे करना है मैट, और उसके बाद ये मेटल उस पर चिपकाना है, ठीक है? ग्रेट, तुमने टाइसन को ठीक कर दिया। बढ़िया टीम वर्क दोस्तों। बस एक और काम, हमें कार सिटी की सफाई करने की जरूरत है। ओह ग्रेट आइडिया फ्रैंक, सब मिलकर काम करेंगे तो ज्यादा देर नहीं लगेगी। ग्रेट वर्क, फिर मिलेंगे। द कार पेट्रोल। जब तक मैट और फ्रैंक कार सिटी में है, यहां कोई गड़बड़ नहीं हो सकती है। लगता है मैट को कुछ दिखा। रुको, वो कोई मुजरिम नहीं, वो तो टॉम है। पर वो क्या कर रहा है इस तरफ? अरे रे, किसी ने टॉम के घर से सारे नए पहिए चुरा लिए हैं। चिंता मत करो टॉम, हम उस चोर को जल्दी ढूंढ निकालेंगे। वो क्या है? क्या वो पहिए हैं? नहीं, वो तो सिर्फ बक्से हैं। फ्रैंक को क्या मिला है? वो रहे पहियों के निशान, जरूर उस चोर के होंगे जो जल्दी में भाग निकला। वो देखो, उस ट्रक के ट्रेलर में तो सारे नए पहिए हैं, जरूर वही चोर है। पकड़ो उसे। भागने ना पाए। पकड़ो उसे, भागने ना पाए। क्या कर रहा है वो चोर? तो सीधा गया है। थोड़ा और नजदीक मैट, आगे बढ़ो। अरे रे, वो ट्रक तो भाग निकला। पर मैट खुश क्यों लग रहा है? वो रहा फ्रैंक, उसने पहले ही समझ लिया कि चोर ऐसे ही निकलेगा। तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है सानी जिम, अब तुम चलोगे सीधे पुलिस स्टेशन। शाबाश दोस्तों, बहुत चालाकी से तुमने रोड ब्लॉक कर दिया।
टॉम बहुत खुश होगा। बुढ़ा टॉम, फिक्र मत करो टॉम, अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पर मैट और फ्रैंक ने तुम्हारे पहिए वापस लिए हैं, अब तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। बहुत अच्छे दोस्तों। कार पेट्रोल। हाय बिली, कैसे हो तुम? क्या तुम खो गए हो बिली? डोंट वरी, मैं अभी किसी को तुम्हारी मदद के लिए भेजती हूँ, यहीं रहना। मैट, हे मैट, बुलडोजर बिली अपना रास्ता भूल गया है, हमें उसको ढूंढना होगा। मुझे लगता है हमें मदद चाहिए होगी मैट। चलो फायर ट्रक फ्रैंक को बुलाते हैं। हे फ्रैंक, क्या तुम बिली को ढूंढने में हमारी मदद करोगे? वो खो गया है। तो हम कहाँ से शुरू करें? सही कहा मैट, बिली आज सुबह एम्बुलेंस एम्बर से मिलने गया था। चलो एम्बर के पास चलें। एम्बर, ऐसा सुना कि बिली आज सुबह तुमसे मिलने आया था, क्या तुम्हें पता है वो कहाँ है? अच्छा, वो फार्म गया है। थैंक्स एम्बर, चलो वहाँ चलें। मैट, फ्रैंक, देखो वो रहा ट्रैक्टर बेन। हे बेन, क्या तुम जानते हो बिली कहाँ गया? वो जंगल के पास है। चलो वहाँ चले दोस्तों। ध्यान रखना हम वहां खो नहीं जाएं। बिली, तुम कहां हो? अगर हम ऊपर से देख पाते तो कितना अच्छा होता। क्या हुआ? वाओ, कैमरा, बहुत अच्छा आइडिया है। चलो देखते हैं अगर हमें बिली अब दिखता है या नहीं। वहाँ वहाँ आगे वो बिली है। बिली, तुम बच गए।
मैट और फ्रैंक आ गए। अमेजिंग, तुम दोनों ने बिल्ली को बचा लिया। अब ध्यान से घर जाना, फिर मिलेंगे दोस्तों। और हाँ,